कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ ने आज एक बयान देकर चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस दफ़ा वजीर आला का दावेदार हूं, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं भी वजीर आला बनने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आज नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मैं भी वजीर आला की कुर्सी का दावेदार हूँ। इस तरह के बयानबाजी करते हुए आजकल कुछ लीडरान सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हैं और दौड़ में अपना नाम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तनवीर सेठ ने कहा कि अगर वजीर आला की कुर्सी की दावेदारी की जाती है तो गलत क्या है, मैं भी वजीर आला की कुर्सी का दावेदार हूं। क्या अखिलियतों के पास इस बात की सलाहियत नहीं कि वो रियासत के वजीर आला नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए अभी 2 साल की मियाद बाकी है, ऐसे में पार्टी को इख्तदार में लाने के लिए पेशरफ्त करना चाहिए। उस बात को छोड़कर पार्टी में गैर संजीदगी का मुजाहरा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। अपने हामियों को लेकर वजीर आला बनाने के लिए जो अक्सर लीडरान नारेबाजी कर रहे हैं और हाईकमान के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। इससे दावेदार को नुकसान पहुँचेगा, ना कि फ़ायदा। तनवीर सेठ ने मजीद कहा कि मैं भी कांग्रेस की तहजीब से जुड़ा हुआ हूं और मैं किसी की ताईद में नहीं उतर रहा। मेरे खून में भी कांग्रेस है और कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी का रुख करने वाला नहीं हूं। पार्टी में गृहबंदी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जिन लोगों ने माजी में गृहबंदी की थी उनका क्या हशर हुआ वो सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, मैसूरू।